अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ तहरी। तो तहरी के लिए मैंने लिया है आधा किलो चावल, और ये थोड़ा बड़ी बड़ी कटोरी है। इसमें मैंने मटर लिया है, और ये मैंने तीन मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने काट के रख लिए हैं। ये मैंने गोभी लिया है, और ये दो बड़ी बड़ी प्याज मैंने फाइनली चॉप किया है, और ये एक टमाटर बड़ा सा था काफ़ी, तो इसको भी मैंने फाइनली चॉप किया है, और ये तीन हरी मिर्च है, और ये कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें कि लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और ये तड़का के लिए मैंने लिया है जीरा, थोड़ी सी मेथी, कलौंजी, मंगरेला भी बोलते हैं इसको, और एक बड़ी इलायची और दो तेज़पत्ता, और थोड़ी सी दही है फ्रेंड्स, इसको भी मैं डालूंगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, मैंने 2 चम्मच तेल भर भर के लिया है, ये इसमें अपना ये तड़का के लिए सब डाल देती हूँ। तेल गरम हो गया था, मैंने सरसों का तेल लिया है। अब मैं प्याज डालूंगी इसमें। फ्रेंड्स, प्याज लाल हो गई है, और ये देखिए मैं आपको अदरक लहसुन दिखाना भूल गई थी, ये अदरक लहसुन पहले डालेंगे, एक एक चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम सूखे मसाले अपने डालते हैं। अब मैं सूखे मसाले डाल दे रही हूँ, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। फ्रेंड्स, मसाले भून गए हैं, अब मैं इसमें ये टमाटर और हरी मिर्च दोनों डाल दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं नमक डालूंगी। अब टमाटर को थोड़ा सा ढक करके भूनेंगे ताकि टमाटर भी गल जाए। फ्रेंड, जब तक मसाले भून रहे हैं तब तक मैं आलू गोभी मटर फ्राई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें गोभी डालूंगी, थोड़ा सा मैंने तेल लिया है 1 चम्मच। आलू डाल देती हूँ, मटर, मटर भून गई है, अब मैं बंद कर देती हूँ इसको, और मसाला भी तैयार है मेरा, मसाले में ये डाल देती हूँ। और इसी पॉइंट पर मैं दही भी डाल देती हूँ। दही 2 चम्मच है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब इसी पॉइंट पर अपने चावल भी डाल दे रही हूँ। अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे डाल करके चावल।
फ्रेंड्स अच्छे से भून गया है चावल मसाला सब्जी। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, ये एक गिलास भर के पानी ऐड करूंगी। अब मैं कुकर बंद करके एक सीटी लगाऊंगी, एक सीटी के बाद बंद कर दूंगी। फ्रेंड्स इसमें एक सीटी आ गई है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और प्रेशर जब निकल जाएगा तब खोल करके देखूंगी। फ्रेंड्स प्रेशर निकल गया है, अब मैं इसे खोल करके चेक करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स तहरी तैयार है और ऊपर से इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये काफी सारा धनिया की पत्ती, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, धनिया की पत्ती ऊपर नीचे कर देंगे मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तैयार हुई है तहरी। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए, हाँ बताइए कैसी बनी है खा करके, अच्छी है? बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। फ्रेंड्स आप भी बनाइए अपने उस पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।